साथियों, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत सरकार द्वारा युवकों को प्रोत्साहित करने की विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करने के बाद भी इंडियन यूथ व्यापार प्रारंभ करने के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं हो रहा। वो नौकरियों के इंतजार में है। भारत सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की। मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में जाकर युवकों को प्रोत्साहित करने का मौका मिला, लेकिन युवक जो सवाल करते हैं वो व्यापार में आने वाली बाधाओं के करते हैं। इंडियन यूथ ये कहता है कि व्यापार प्रारंभ करना बहुत मुश्किल है, इसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑब्स्टेकल्स हैं, करप्शन है, किस तरह से माल बेचा जाए, किस तरह से कैपिटल ऑर्गेनाइज की जाए, ये तमाम बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडियन यूथ को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बिजनेस या उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसमें ये बाधाएं हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कैपिटल हो या बिजनेस का चॉइस हो, कौन सा व्यापार किया जाए, कौन सा उद्योग लगाया जाए, इस संबंध में कोई समस्याएं हो, किस तरह से व्यापार चलाया जाए, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक ही चीज की जरूरत है और वो है आपकी अपनी संकल्प शक्ति। यदि आपने ये दृढ़ इच्छा शक्ति से सोच लिया है कि मुझे उद्योग लगाना है या व्यापार शुरू करना है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं, सिर्फ जरूरत है तो आपकी अपनी प्यास की। किसी शायर ने कहा है कि तुम ना इतने हो ना उतने हो, अपनी प्यास जितने हो। यदि आपके अंदर की प्यास है बिजनेस या उद्योग को चलाने की, तो फिर कोई दुनिया की ताकत, कोई सरकारी विभाग, कोई अधिकारी, भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी आपके व्यापार को शुरू करने से नहीं रोक सकता। फिर मुझे कार्यक्रम में कुछ युवक कहते हैं कि बिजनेस शुरू हो गया, हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन उसे बेचने की दिक्कत बहुत आती है, मार्केटिंग की बड़ी समस्याएं आती है। यद्यपि आज आप मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग की किताबें पढ़ते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। क्या फंडा है मार्केटिंग का? एक इकलौता और आखिरी फंडा आपसे कहना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से कि एक राजा शिकार करते करते रात को जंगल में भटक गया था। जब थक गया तो उसे भूख लग गई। उसने दूर कहीं देखा, दूर दराज में एक युवक अंडे बेच रहा था। राजा ने उस युवक के पास कहा कि दो अंडे दीजिए। जब उसने राजा ने दो अंडे खाए और उसने पूछा कि भैया कितने पैसे देने हैं, तो उस युवक ने कहा 100 रुपए। राजा थोड़ा हतप्रभ हुआ, हैरान हुआ। राजा ने कहा कि आर एग्स आर सो रेयर हियर, क्या अंडे इतने महंगे हैं इधर, इतने कम होते हैं? तो उस युवक ने जवाब दिया, सर अंडे कम नहीं होते, आप जैसा राजा कोई कभी कभार इधर आता है, किंग्स आर वेरी रेयर हियर। तो राजा ने तुरंत 100 रुपए निकालकर उस युवक को थमाए। उस युवक के दूसरे साथी ने पूछा कि आपको पता था कि ये राजा है या इधर कम आते हैं? उस युवक ने कहा, नहीं भैया, मुझे ये नहीं पता ये राजा है ये कम आते हैं, मुझे सिर्फ एक फंडा पता है कि किस तरह से किसी के जेब से पैसे निकलवाए जाते हैं। यह है मार्केटिंग, यानी कि उसने राजा के अहम को तुष्ट कर दिया, ईगो को सेटिस्फाई कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मार्केटिंग का एक ही फंडा है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हुए उसका जो बायर है, जो कस्टमर है, उसकी ईगो को एनालाइज करें, ईगो को ऑब्जर्व करें। यदि आप ईगो को सेटिस्फाई करने में सफल हो जाते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आप मार्केटिंग में सफल हो। इसलिए दोस्तों, युवकों को कहना चाहता हूं कि व्यापार प्रारंभ करने से घबराएं नहीं, केवल अपनी प्यास देखें और प्रोडक्ट बनाकर जब बेचने निकलें तो लोगों की ईगो को देखें। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं और अपने युवक साथियों को जरूर ये वीडियो शेयर करें जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं और प्रारंभ करने में बड़ी हिचक महसूस कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच।